हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस, जो 11th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस को दो भागों में बांटा गया है, ग्लाइको और लाइसिस। ग्लाइको यानी ग्लूकोज, लाइसिस यानी ब्रेकडाउन। यानी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से पाइरूविक एसिड बनता है। पाइरूविक एसिड 2 मोल और 3 कार्बन होते हैं। यह रिएक्शन जो होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है, इसमें O2 का यूज़ नहीं होता। ग्लाइकोलाइसिस का जो उत्पाद होता है वो पाइरूविक एसिड होता है। ग्लाइकोलाइसिस की जो साइकिल होती है वो 10 स्टेप में पूरी होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो इसमें ATP से ADP बनता है, यानी यहाँ पर एक ATP का यूज़ हो जाता है। और ADP का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पर जाके जुड़ जाता है, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। इसमें हेक्सोकाइनेस एंजाइम काम आता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, इसमें आइसोमरेज एंजाइम काम आता है। फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रैक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट बनता है, इसमें भी ATP से ADP बनता है, यानी यहाँ पर भी एक ATP का यूज़ हो जाता है। जब ATP का फॉस्फेट ग्रुप फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट के 1 नंबर कार्बन पे जुड़ जाता है तो फ्रैक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट बन जाता है। इसके अंदर फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज एंजाइम का यूज़ होता है। इसकी 4th स्टेप में विदलन होता है, जिसमें फ्रैक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट विदलन से 2 अणु बना लेते हैं, एक तो 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके 5th स्टेप के अंदर 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो होता है वो 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है, इसमें नो एंजाइम स्टेप होती है, यहाँ पे कोई भी एंजाइम का यूज़ नहीं होता। इसकी 6 जो रिएक्शन होती है उसमें 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है। यहाँ पर 2NAD2NADH2 बनाता है, यानी यहाँ पर जो होता है वो H2 बनता है। इसमें ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का यूज़ होता है। और 7th स्टेप के अंदर 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है उसमें 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जिसमें 2 ADP से 2 ATP बनता है। यानी यहाँ पे जो होता है वो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाता है और रिलीज होने के बाद 2 ATP बनाता है, यानी यहाँ पे ATP बनता है। और इसकी जो 8th स्टेप है उसमें 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है और फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम का उपयोग होता है। और 9th स्टेप में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2-फॉस्फोइनोल पाइरूविक एसिड बनाता है और इसमें इनोलेज एंजाइम का यूज़ होता है। और इसकी 10 और डिहाइड्रेशन होता है, यानी H2O बाहर निकलता है। और जो इसकी 10th स्टेप के अंदर 2-फॉस्फोइनोल पाइरूविक एसिड जो होता है वो पाइरूविक एसिड बनाता है, इसमें 2 ADP से 2 ATP बनता है, यानी यहाँ भी जो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होकर 2 ATP बनाता है। इसमें पाइरूवेट काइनेज एंजाइम का यूज़ होता है। पाइरूविक एसिड जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस का जो लास्ट उत्पाद होता है, अंतिम उत्पाद होता है वो होता है। इसमें 3 कार्बन और 2 मोल होते हैं और ग्लूकोज जो होता है उसके अंदर 6 कार्बन और 1 मोल होता है। साइकिल में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो 7 और 10 नंबर जो रिएक्शन है जहाँ पे SLP होता है, यानी सब्स्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें क्या होता है कि जब 7 और 10 नंबर रिएक्शन में जो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होकर ADP से ATP बनाता है, यानी यहाँ पर ADP से ATP बनाता है और यहाँ पे जो SLP यानी सब्स्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, और ये 7 और 10 नंबर रिएक्शन में है, तो यहाँ पर हमारे जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है वो पूरी हो जाती है। अब हम देखेंगे इसमें कितने ATP यूज्ड होते हैं और कितने ATP गेन होते हैं, और नेट ATP कितने बनते हैं और टोटल ATP कितने बनते हैं। इसमें नेट ATP जो होते हैं वो तो 2 ATP बनते हैं और जो टोटल ATP होते हैं वो 8 ATP बनते हैं। ये बनते कैसे हैं ये हम अब देखेंगे। तो
तो यूज्ड और एटीपी होते हैं, जैसे यूज इसमें कहाँ कहाँ होते हैं, फर्स्ट रिएक्शन में और एक थर्ड रिएक्शन में। तो फर्स्ट रिएक्शन में ग्लूकोज और ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो होता है वहाँ एटीपी से एडीपी बनता है, तो यहाँ पर एक एटीपी का यूज हो जाता है। और जो फ्रैक्टोज सिक्स फॉस्फेट होता है यानी थर्ड नंबर जो रिएक्शन होती है वहाँ पर भी एटीपी से एडीपी बनता है, यानी फ्रैक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन जाता है, यहाँ पे भी एक एटीपी का यूज़ हो जाता है, यानी दो एटीपी का यूज़ हो जाता है। और जो गैन एटीपी है उसमें 1,3 डाई पीजीए यानी जहाँ एसएलपी होता है सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, वहाँ 2 एडीपी से 2 एटीपी बन जाते हैं। जो 7 नंबर रिएक्शन होते हैं 3 पीजीए बनता है, यहाँ पे 2 एटीपी मिल जाते हैं। और पीईपी जो लास्ट रिएक्शन होती है यानी 10 नंबर जो रिएक्शन होते हैं वहाँ पे भी एसएलपी होता है, जहाँ पे भी 2 एडीपी से 2 एटीपी मिलता है और पायरविक एसिड बनता है, यानी यहाँ भी 2 एटीपी मिल जाते हैं। यानी टोटल एटीपी जो होते हैं वो 4 एटीपी होते हैं और यूज एटीपी 2 एटीपी होते हैं, यानी नेट एटीपी कितने प्राप्त होते हैं 2 एटीपी। यानी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो होते हैं उससे हमें नेट एटीपी है वो 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। नेट एटीपी हमें 2 एटीपी मिल गए। अब हम देखेंगे हमें टोटल एटीपी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में कैसे मिलते हैं। तो 1,3 पीजीएलए जो 6 नंबर जो रिएक्शन थी जहाँ पे 2NAD+2NADH2 यानी 2S2 यानी 2 हाइड्रोजन बनते हैं, वहाँ पे 1,3 डाई पीजीए डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, वहाँ पे सीएलपी होता है, यानी यहाँ पे 2NAD से 2NADH2 बनते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलते हैं। सीएलपी यानी चैन लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो 2NADH2 यहाँ पे जो एटीपी बनते हैं वो ईटीएस साइकिल में बनते हैं, तो यहाँ पे 1NADH से 3 एटीपी बनेंगे, यहाँ पे 2NADH2 बन रहे यानी 2×3 एटीपी यानी 6 एटीपी, यानी यहाँ हमें 6 एटीपी मिलते हैं जो 6 नंबर रिएक्शन है। और जो एसएलपी 7 नंबर रिएक्शन थी वहाँ से हमें 2 एटीपी 2 एटीपी मिलते हैं, यानी यहाँ पे 1,3 डाई पीजीए से 3 पीजीए बनते हैं, तो यहाँ पे 2 एडीपी से 2 एटीपी यानी हमें 2 एटीपी मिलते हैं। और जो 10 नंबर रिएक्शन थी जहाँ पे पायरविक एसिड बनता है वहाँ से भी हमें 2 एटीपी मिलते हैं, यानी जो 6 नंबर रिएक्शन है वहाँ से 6 एटीपी मिल गए, और जो 7 नंबर रिएक्शन है वहाँ से 2, और जो 10 नंबर रिएक्शन है वहाँ से 2 एटीपी मिल गई, यानी टोटल नंबर जो एटीपी हमारे 8 एटीपी हो गई। यानी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में हमें 8 एटीपी मिलते हैं टोटल एटीपी, और जो नेट एटीपी है वो हमें 2 एटीपी मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चक्र जो वो पूरा हो गया, यानी टोटल एटीपी हमें 8 एटीपी मिल गए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू।